केरल के वायनाड में मंगलवार को हुए लैंडस्लाइड में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शुक्रवार को वायनाड में घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मिले। यहां राहुल और प्रियंका ने अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस दौरान कई लोगों ने अजय उनसे मिला और हादसे का जिक्र कर फूट फूट कर रोने लगे। राहुल गांधी के गले लग रोते हुए लोगों ने हादसे की पूरी कहानी सुनाई। दोनों ने हादसे में अपने को खोने वालों और घायलों को सांत्वना दी। दोनों यहां काफी देर तक रुके और पीड़ित लोगों से बातचीत करते रहे। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक राहत कैंप पहुंचे और यहां काफी देर तक रुके रहे। राहुल गांधी ने इस दौरान वादा किया कि कांग्रेस यहां 100 से अधिक घर बना कर देगी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां गुरुवार 1 अगस्त 2024 से हूं। मैंने पहले भी कहा कि यह बहुत भयानक त्रासदी है। हम हर कैंप और अस्पताल गए और स्थिति का जायजा लिया। हमने जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की। उन्होंने बताया कि कितने जान माल का नुकसान हुआ है, कितने घर बहे हैं। हम वादा करते हैं कि कांग्रेस यहां 100 से ज्यादा घर बना कर देगी। पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यहां लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे पिता का निधन हुआ था। यहाँ के लोगों ने सिर्फ एक पिता ही नहीं बल्कि एक पूरा परिवार ही खो दिया है। हम सभी परिवारों के प्रति सम्मान और स्नेह के हकदार हैं। पूरे देश का ध्यान वायनाड की ओर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वायनाड से जीत दर्ज की थी। साल 2024 में भी उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की, क्योंकि वह रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे थे और वहां से भी जीत दर्ज की थी, इसलिए राहुल गांधी ने यहां से इस्तीफा दे दिया था। अब यहां होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। बहरहाल देखा जाए तो वायनाड में स्थिति काफी ज्यादा भयानक नजर आ रही है। लोगों के बुरे हालात देख राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तुरंत वहां पर पहुंचते हुए नजर आए, स्थिति का जायजा लिया और राहुल गांधी के पहुंचते ही कहीं न कहीं लोग उनके गले लग फूट फूट कर रोने लगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।